शहर के जाफरनगर के राठौर लेआउट परिसर में मुस्लिम समाज के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में ताजबाग ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान और सारंग गडकरी उपस्थित हुए थे। प्यारे खान ने मुस्लिम समाज के सवालों को नितिन गडकरी द्वारा न्याय देने की बात की है। बुधवार को आयोजित इस बैठक में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित हुए थे। बैठक ताजाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान और सारंग गडकरी के नेतृत्व में दी गई। इस बैठक में मुस्लिम समाज की ओर से एजुकेशन हॉस्पिटल के साथ अन्य समस्या रखी गई। जो समस्या दी गई है गडकरी साहब को, डेफिनेटली उसके जरिए हमारा एजुकेशन, उसके अलावा हमारी पब्लिक सर्विसेस, ये सारी चीज छुपी हुई है। मानो के रिजर्वेशन की समस्या है, हमें धर्म के आधार पर आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला, जबकि दूसरे लोगों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमें भी रिजर्वेशन मिले जिस तरीके से दूसरों को मिला हुआ है। सर, बेसिक आपके क्षेत्र जो क्षेत्र उसमें क्या समस्या है जो रखी गई है? बहुत सारी समस्या है। हमारी हेल्थ की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, और इसके अलावा हमारे यहाँ गरीब गुर्बत बहुत है, उनको उससे ऊपर उठाकर मेन स्ट्रीम में लेकर आना है, यह सब हमारी समस्या है। यस, हेल्थ का भी बताया ना मैंने कि हेल्थ का भी मुद्दा है, हमें हॉस्पिटल भी चाहिए हमारे बच्चों के, औरतों के, और जो बीमार है उनके लिए हॉस्पिटल भी करने वाले हैं, और अब प्रोग्रेस इसमें लगे हैं हम लोग, तो बहुत जल्द एक मेडिकल कॉलेज भी हमको तैयार करना है। सभी लोगों की समस्या को प्यारे खान और सारंग गडकरी ने गौर से सुना और कहा कि ज्यादातर समस्या का निवारण हो गया है, बाकी समस्याओं का भी निवारण हो जाएगा। मैं सबसे पहले मंसूरी जमात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी इज्जत बख्शी है। मेरे साथ मेरे जो दोस्त है, मित्र है, सारंग गडकरी जी है, इनको बुलाया। मैं इनका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस कम्युनिटी ने हमको यहाँ बुला के इतने पढ़े लिखे लोगों में हम लोगों को बुलाया और इज्जत बख्शी। मैं बताता हूँ कि समाज के सब जगह एक ही इशू है, जो समाज पूरा जो त्रस्त है आज, हमारा मुस्लिमों का विकास ही नहीं हुआ है, मुस्लिमों का विकास ही नहीं हुआ और कई सालों से नहीं हुआ है। तो आज मुस्लिम समाज चाहता है कि उनके बच्चों को एजुकेशन मिले, उनके बच्चों को हेल्थ मिले, उनके बच्चों को बड़े बड़े ग्राउंड मिले, यूनिवर्सिटी मिले, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें वो मुस्लिम समाज चाहता। मुस्लिम समाज नौकरी में आरक्षण नहीं चाहता, मुस्लिम समाज को जो है मेन ये सुविधा मिले जो कि आज तक किसी ने नहीं दी। तो इनके बहुत बड़े मसले नहीं है, अगर मुझे लगता है कि सही रास्ते पे चल रहा है मुस्लिम समाज, और हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में बार्गेनिंग पावर नहीं था। तो मैं इस समाज से रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि अब हमको सारे लोगों को मिलके हमको बार्गेनिंग समाज के लिए करना है। हम तो बिजनेस कर रहे हैं, मैं अपने घर में खुश हूँ, ये अपने घर में खुश है, ये अपने घर में खुश है। पहले क्या था, मुसलमान जो था वो सिर्फ अपनी जन्नत बनाने में, अपनी फैमिली बनाने में, अपने घर बनाने में ही विश्वास रखता था, लेकिन मुस्लिम समाज इस बार थोड़ा सा जाग गया, जागरूक हो गया है, और वो इस बार चाह रहा है कि वो अपने समाज के लिए काम करे, अपने कौम को क्या दे सकता, अपने बच्चों को, अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे सुधार सकता, अपने बच्चों को एजुकेशन कैसा दे सकता, तो उस पर हम लोग काम करें। मला असं वाटतं की पॅरेजींच्या माध्यमातनं आणि याच्यातनं लोकांपर्यंत आत्ता आम्ही पोहोचू शकत आहे। याच्या आधी पॅरेजींसारखा व्यक्ती नसल्यामुळे सुद्धा का होईना या गोष्टींपर्यंत त्यांनी पण आता मीटिंगमध्ये बोलून दाखवलं की आम्हाला कुठे बोलणंही कठीण होतं, कुठे मागायचं। तर मला असं वाटतं हा दुवा जो आहे म्हणता येईल हा मीनवाईल मिळाला आहे। आणि गडकरी साहेबांबद्दल म्हणायचं झालं तर मला असं वाटतं जिथे प्रॉब्लेम आहे तिथे सोल्युशन त्यांच्यासारखा माणूस आरामात काढू शकतो, ती देवाने दिलेली देणगी आहे। आणि मला वाटत नाही त्यामुळे या ज्या समस्या यांनी मांडल्या आहेत त्या दूर करणं हे कठीण आहे, त्या नक्कीच होतील असं माझा विश्वास आहे। लक्षात घ्या, एज्युकेशनच्या बाबतीमध्ये आत्ता आज सिम्बॉसिस नागपुरात आलं, प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट आहे, पण साहेबांच्या प्रयत्नांनी जागा देऊन ते आणलं गेलं। इथे पण एक विषय आत्ता होता या मीटिंगमध्ये की बा आमच्या समाज भवनासाठी तुम्ही जागा द्या, सिम्बॉसिसला फ्रीमध्ये जागा दिली पण आणलं गेलं। तर आपला जो पर्पज असेल त्या लाईनचा, तर हे आरामात पॉसिबल आहे। आज IIIT आपल्याकडे आलेलं आहे, आज एम्स मेडिकल याच्यामध्ये आपल्याकडे आलेलं आहे, ते सगळ्यांसाठी आलेलं आहे। आज कोणी मुसलमान किंवा हिंदू असं कोणाच्यासाठी नाही, ते सगळ्यांसाठी आलं, ज्याला आज जो फायनान्शियली दबक्यामध्ये आहे त्याच्यासाठी ही आलेली सुविधा आहे। आणि आज तुम्ही जाऊन पहा, आपल्याकडलं प्रायव्हेट हॉस्पिटलला लाजीरवाणं असं आज एम्स बनलेलं आहे। आज सिम्बॉसिस किंवा तुम्ही IIM इन्स्टिट्यूट पहा, या वर्ल्ड क्लास झालेल्या आहेत, या कोणासाठी झाल्या, या सगळ्या लोकांसाठी झालेल्या आहेत। त्यामुळे मला असं वाटतं लोकांना पण हे कळतं, त्याचप्रमाणे या पण समाजाला ते कळेल आणि नक्कीच काहीतरी याच्यातनं मार्ग सुटतील, हा विकास दिसतो आहे, मला अडचण वाटत नाही। कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।